हेलो एवरीवन स्टडी एचआरएम बाय बाई दिशा चतुर्वेदी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे दैट इज जॉब चेंज इसके अंतर्गत आने वाले सभी सब टॉपिक्स को मैं वन बाय वन क्लियर करूँगी सो बी ट्यून टू माय चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करना इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें सो so, सबसे पहले हम जॉब चेंज को समझ लेते हैं मोबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर थ्रू ट्रांसफर प्रमोशन एंड डिमोशन इज इंटरनल मोबिलिटी एंड सम एम्प्लॉय लीव द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू रेजिग्नेशन रिटायरमेंट एंड टर्मिनेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल मोबिलिटी तो टेकिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल टुगेदर मेक्स जॉब चेंज यानी जो जॉब चेंज है उसमें इंटरनल मोबिलिटी एंड एक्सटर्नल मोबिलिटी दोनों शामिल होती हैं इंटरनल मोबिलिटी क्या होती है जब एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जॉब्स को चेंज करते हैं थ्रू ट्रांसफ़र या फिर प्रमोशन या डिमोशन की वजह से वो इंटरनल मोबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ होती है और जब एम्प्लॉयज़ रेजिग्नेशन देने की वजह से रिटायरमेंट या टर्मिनेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं या जॉब उनकी चेंज होती हैं वो एक्सटर्नल मोबिलिटी होती है यानी वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर मोबिलिटी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाते हैं तो यहाँ पर जो हम जॉब चेंज की बात करने वाले हैं वो हम इंटरनल मोबिलिटी की बात करने वाले हैं यानी कि हम ट्रांसफ़र प्रमोशन एंड डिमोशन की बात करेंगे सो ट्रांसफर एंड प्रमोशन को डिटेल में जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जॉब चेंजेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्यों ये टर्म प्रचलन में आया मोबिलिटी और फ्लैक्सीबिलिटी इन दी वर्क फोर्स आर नेसेसरी टू कोप अप विद दी चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की उनके साथ में कोप अप करने के लिए उनके साथ में कदम से कदम मिलाने के लिए जॉब चेंजेस एक नेसेसरी स्टेप हो जाता है जो चेंज होते हैं किस वजह से होते हैं उनको देखते हैं चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग जॉब रीडिजाइन जॉब रिग्रुपिंग एक्सेट्रा जब कभी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होते हैं जॉब को रीडिजाइन किया जाता है रीग्रुपिंग होती है ऐसे केस में जॉब चेंज होना स्वाभाविक है कुछ अन्य जो फैक्टर्स हैं चेंजेस इन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से हमें इंडिविजुअल्स की जॉब्स को भी चेंज करना पड़ जाता है चेंजेस इन पॉलिटिकल इन्वामेंट कभी कभी पॉलिटिकल प्रेशर जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है उसकी वजह से भी कई सारे जॉब्स में चेंजेस हो जाते हैं जिस वजह से employees को एक जॉब से दूसरी जॉब पर शिफ्ट करना होता है चेंजेस इन लीगल पॉलिसीज कई बार लीगल पॉलिसीज इस तरीके की क्रिएट होती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कुछ चेंजेस करने होते हैं जॉब्स में जिस वजह से एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र डिमोशन या प्रमोशन होता है फ्लक्चुएशन इन वॉल्यूम ऑफ वर्क ड्यू टू एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन एक्सेट्रा ऑर्गेनाइजेशन में जब एक्सपेंशन या डाइवर्सिफ़िकेशन होता है ऐसे केस में भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज़ को शिफ्ट किया जाता है एम्प्लॉय की जॉब में चेंजेस लाए जाते हैं चेंजेस इन डिमांड ऑफ ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन की डिमांड की वजह से भी काफ़ी सारे चेंजेस किए जाते हैं चेंजेस इन द नॉलेज स्किल्स एंड वैल्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयिज़ की नॉलेज स्किल्स वैल्यूज़ में अपग्रेडेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को भी उनकी जॉब्स में चेंजेस लाने होते हैं जिससे कि वो रिकग्नाइज महसूस करें जो उन्होंने वैल्यू अर्न की है जो उन्होंने स्किल्स अचीव करी हैं उनका रिकॉग्निशन होने उनके उनके रिकॉग्निशन के लिए उनकी जॉब को चेंज करना उनको प्रमोश उनको प्रमोट करना नेसेसरी स्टेप हो जाता है जॉब चेंज किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है हम उसको समझते हैं जो जॉब चेंज किया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन को बेस में रखते हुए जॉब में चेंजेस किए जाते हैं इंडिविजुअल्स को एक जॉब से दूसरी जॉब पर ट्रांसफ़र या प्रमोट किया जाता है या डिमोट किया जाता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं या फिर हम इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब हम चेंजेस लाते हैं तो सो so ऑबियस है कि ये स्टेप इम्प्रूव द स्किल एंड नॉलेज जो इम्प्लॉइज़ की स्किल्स एंड नॉलेज को इम्प्रूव करता है बिकॉज वो डिफ़रेंट वर्क सिचुएशन में वर्क करते हैं जॉब uh, चेंजेस की वजह से उनको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में वर्क करना पड़ता है डिफरेंट लोकेशन पर या डिफरेंट वर्क सिचुएशन में उनको वर्क करना होता है सो so, ये uh, जो डिफरेंस होता है ये जो चेंज होता है उनकी स्किल एंड उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करता है जो सेकेंड बेनिफिट होता है दैट इज़ रिलेटेड विद गेटिंग थिंग्स डन अंडर सर्कमस्टांस में जो डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं सर्कमस्टांसिस में उनको डील करने में जॉब चेंज हेल्प करता है नेक्स्ट बेनिफिट होता है दैट इज़ फ्लेक्सिबल ऑफ गेटिंग अलोंग विथ पीपल जॉब चेंज की वजह से एम्प्लॉयज़ को कई सारे नए एम्प्लॉयज़ के साथ में डीलिंग करनी होती है सो so, ये एक आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है आपको पीपल हैंडलिंग सिखाता है जॉब चेंज नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट होता है दैट इज एक्सप्लॉयड पोटेंशियल दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट जॉब चेंज की वजह से आपको न्यू परफॉर्मेंस करनी होती है न्यू वर्क इन्वायरमेंट में वर्क करना होता है न्यू लोकेशंस पर न्यू एम्प्लॉयज़ के साथ में न्यू कलीग्स के साथ में आपको अपना जॉब परफॉर्मेंस देनी होती है सो so, ये अल्टीमेटली आपका जो पोटेंशियल होता है उसको इनक्रीज़ करता है आप में संभावनाएं जो होती हैं उनको बढ़ाता है आपके अंदर की संभावनाओं को और ये जो कि आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट है फिल्स टैलेंट गैप्स जॉब चेंज जो एच आर मैनेजर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स को एक जॉब से दूसरी जॉब पर शिफ्ट करते हैं थ्रू प्रमोशन डिमोशन थ्रू ट्रांसफ़र सो ये ऑर्गेनाइजेशन में जो स्किल गैप होता है उसको फिल करता है जो टैलेंट गैप होता है किसी जॉब पर ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज़ को उस सिचुएशन को जॉब चेंज के थ्रू फिल किया जा सकता है नेक्स्ट पॉइंट है ज ओवरऑल इफेक्टिवनेस सो ऑब्वियस इतने सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद में हमें समझ में आ गया है कि जॉब चेंज की जो प्रोसेस है वो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाती है सो so अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफ़र से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी डेफिनेशन जो भी टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं उन सभी को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे सो बी ट्यून टू माई चैनल एंड आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रिसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें थैंक्स फॉर वॉचिंग